हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोस यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम ID जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ राम पचौरी एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम टू पचौरी MLT यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टेनिंग ऑफ द फैट, यानी कि फैट को कैसे स्टेन करना होता है। हमारे जो है कई सारे ऐसे डिजीज होते हैं जिनके अंदर हमारे जो है टिश्यूज के अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाता है और वो अननेसेसरी फैट जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे मैं कुछ एक डिजीज में फैट एम्बोलिज्म बता सकता हूँ कि फैट एम्बोलिज्म है, या फिर आपके जो है कई सारी बोन इंजरी हो जाती है या फिर बोन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उस दौरान जो है आपको टिश्यूज में फैट का डिपोजिशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा फैट का डिपोजिशन। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है कि आज हमारे को फैट को डायग्नोस करना है कि हमारे को कैसे जो है टिश्यू के अंदर फैट को हम स्टेन करके देखें। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी स्टेन पड़े उनके अंदर अलग अलग जो है डायग्नोसिस हमें बनाने थे। किसी में आयरन को डिटेक्ट करना था, किसी में हमारे को कॉलेजन फाइबर को डिटेक्ट करना था, के और हमने इसके साथ ही साथ अभी लास्ट स्टेनिंग जो पड़ी वो हेमेटोसलिन और योसिन स्टेन था, जो हमारे रूटीन हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन है जो लेबोरेटरी में यूज होता है। ठीक है, तो हम पहले फैट स्टेनिंग पढ़ने से पहले हम पहले एक फैट की नेचर जान लें कि फैट का नेचर क्या होता है। जनरली फैट जो होता है वो आपका क्या होता है, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बना होता है। क्या होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इन दो चीजों से मिलकर के आपका फैट बना होता है। ठीक है, और जनरली फैट का ये नेचर होता है कि फैट के अंदर जो है वाटर के साथ सॉलिबिलिटी नहीं होती, वो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होता, बट वो अल्कोहल और अदर कुछ एक सॉल्वेंट है जिनके साथ वो सॉलिबल हो सकता है। तो पहले तो हमारे को क्या है, एक ऐसे डाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि हमारे क्या है फैट को सॉलिबल बनाए, ताकि हम उसको जो है डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर कुछ डाइज इस्तेमाल करते हैं जो फैट सॉल्युबल डाइज हैं, जैसे कि अपन इसको बोलते हैं लाइसोक्रोम। जैसा कि इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, लाइसोक्रोम एक ऐसी कैटेगरी की डाई है जो कि आपके फैट सॉल्युबल होता है। ठीक है, इनमें हम क्या करते हैं कि जो स्टेनिंग हमारी फैट की है उनमें दो तरीके के डाइज हैं वो पढ़ते हैं। एक तो होता है आपका ऑयल रेड और एक होता है आपका सूडान स्टेन। ठीक है, तो ये दो टाइप के हैं जो आपके लाइसोक्रोम के ही एक कैटेगरीज हैं, यानी कि लाइसोक्रोम का जो डाई होता है आपका उसी के कई सारे एग्जांपल हैं, जिसमें सूडान के अंदर कई सारे आते हैं, सूडान 1, सूडान 2, सूडान 3, सूडान 4, इसके अलावा सूडान ब्लैक, अलग अलग टाइप के सूडान के जो है डाइज अपने को देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा एक एग्जांपल आपको ऑयल रेड का देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली अपन जो फैट की स्टेनिंग करते हैं तो उसमें हमारे को क्या है कि या तो सूडान ब्लैक या सूडान 4 डाई या फिर अपन ऑयल रेड का स्टेन का यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम स्टेनिंग का प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन को लेकर के कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका, कि लाइसोक्रोम इज अ फैट सॉल्युबल डाई विच इज यूज फॉर द डेमोस्ट्रेशन ऑफ फैट, यानी लाइसोक्रोम एक फैट सॉल्युबल डाई है जो कि हमारे फैट के क्या करते हैं डेमोस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जांपल जैसे मैंने बताया सूडान 4, सूडान 3, इसके अलावा ऑयल रेड, ये सारे यूज होते हैं। ठीक है, इनमें से क्या होता है कि जो ऑयल रेड है वो हमारे को ज्यादा विजुअल इमेज देता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि इन सभी की जगह हम ऑयल रेड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसकी इमेज हमारे को ब्राइट रेड ऑरेंज कलर का इमेज हमारे को मिलता है। जो न्यूक्लियस है वो ब्लू कलर का दिखता है और फैट ग्लोबुल्स आपको रेड कलर के दिखाई देंगे, तो इसीलिए आप क्या करते हैं कि ऑयल रेड का इस्तेमाल ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सूडान ब्लैक जो डाई है वो हमारे बेसिकली ब्लू ब्लैक कलर का या फिर ब्राउन ब्लैक कलर का जो है आपको अपीयरेंस देता है फैट ग्लोब्यूल्स को, और ये जनरली आपके जो स्टूल के जो जो आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, जनरली जो अपने मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम्स आती है, स्टीरोइया जैसे कि जो स्टूल है उसके अंदर फैट का एक्स्ट्रा अमाउंट जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन सूडान ब्लैक डाई का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें स्टूल सैंपल के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स को जो है डिटेक्ट किया जाता है। तो सूडान ब्लैक का मेन इंपॉर्टेंस
अपने जनरली इनमें यूज होता है। इसके अलावा कुछ हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर माइलोब्लास्ट को भी आइडेंटिफाई करने के लिए अपन सूडान ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपके है एक इंपॉर्टेंट चीज के इसके अंदर जितने भी हमने डाई यूज करे थे उसमें ऑलरेडी अपन ने फिक्स स्पेसिमेन को एम्बेडिंग करके तब यूज किया था, जबकि यहाँ पर अपन को क्या करना होता है क्रायोस्टेट फिक्स जो है क्रायोस्टेट सेक्शन लेने होते हैं अनफिक्स टिश्यू, यानी कि टिश्यू को बिना फिक्स के डायरेक्टली अपन क्रायोस्टेट कर लेते हैं। जो क्रायोस्टेट है वो एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा आपको रिपोर्टिंग बहुत आसानी से जो है अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, आपको कोई 3 से 4 घंटे के मैच उसमें ही आपको जो है डायग्नोसिस आप बना सकते हो। ठीक है, तो अपने को क्रायोस्टेट सेक्शन है उनका इस्तेमाल आपको करना होता है फैट के स्टेनिंग के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं देख सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंदर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, जैसे कि आपको बताया फैट एम्बोलिज्म, बोन इंजरी और जो आपके बॉडी फ्रैक्चर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रिएजेंट में आप ऑयलरेट डाई इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सूडान 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हेरिस इमेटाजुलिन एज अ काउंटर स्टेन यूज होता है। इसके अलावा एक ग्लिसरीन जेली जो है वो माउंटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब देखें इसके प्रोसीजर को लेकर के, तो प्रोसीजर में सबसे पहले आप सेक्शन को जो है 70% अल्कोहल में जो है रखेंगे फ्रोजन सेक्शन को। देन उसके बाद आपको ऑयल रेड या सूडान ब्लैक से उसको स्टेन करना है 5 मिनट के लिए। देन उसके बाद आप उसको स्लाइड को अल्कोहल में दोबारा से लाएंगे 70% अल्कोहल। देन इसके बाद आप उसको वाटर से वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद क्या करेंगे आप इसको हेरिस इमेटोक्सिलिन के अंदर लेकर के जाएंगे जो कि आपका काउंटर स्टेन है। ठीक है, और हेरिस इमेटोक्सिलिन लाने के बाद आप उसको टेप वाटर से वॉश कर लें और वॉश करने के बाद क्या करें आप उसको ग्लिसरीन जेली के द्वारा क्या कर दिया जाए माउंट कर दिया जाए। तो ये आपका प्रोसीजर है जो अपने को यूज करना है। पहले आपने अल्कोहल में यूज किया, अल्कोहल के बाद अपन ने जो है सूडान ब्लैक या ऑयल रेड स्टेन डाला। देन उसके बाद अपन ने फिर से अल्कोहल में वॉश करके अपन ने उसको जो है टेप वाटर से वॉश कर लिया। ठीक है, और काउंटर स्टेन से स्टेन करके और आप क्या करोगे टेप वाटर से वॉश करके माउंट कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक स्टेनिंग प्रोसीजर है। जिसके बाद अगर हम रिजल्ट को देखें कि हमारे को कैसा दिखाई देता है, तो हमारे को जो ऑयल रेड और सूडान ब्लैक इन दोनों से हमारे को क्या है डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं। जैसे ऑयल रेड से अगर हमने डाई यूज करा है तो आपको ब्राइट रेड कलर के फैट ग्रुप यूज देखने को मिलेंगे, वही अगर आपने सूडान ब्लैक इस्तेमाल किया है तो वहां पर आपको ब्लैक ब्राउन या ब्लू ब्राउन कलर अपीयरेंस देखेगा। वहीं पर न्यूक्लियस जो है वो आपको जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है। जैसे अगर आप एक डायग्राम में देखें तो इसके अंदर क्या है कि इस तरीके का आपको दिखता है। देखिए इसके अंदर जैसे ये एक स्लाइड है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक इमेजेस के अंदर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर देखेंगे कि जो है फैट ग्लोब्यूल्स कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये फैट ग्लोब्यूल्स हैं जो आपको रेड कलर के दिख रहे हैं, साथ ही साथ आपको ब्लू कलर से जो है आपको न्यूक्लियस जगह जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये आपके इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट है स्लाइड में, ठीक है ना, और ये आपको फैट ग्लोब्यूल्स हैं, इनको आप कहेंगे कि ये फैट ग्लोब्यूल्स हैं। ठीक है, और ये जो है आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपको जो है अपीयरेंस कुछ देखने को मिलेगा स्लाइड के अंदर। ये जगह जगह आपको फैट ग्लोब्यूल्स इस तरीके से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट के अंदर ये फैट एम्बोलिज्म और अदर किसी डिसऑर्डर से अगर वो है तो वो आपको ये डिजीज में अपीयरेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका आगे मैं एक ओरिजिनल जो पेशेंट्स की स्लाइड्स हैं उनको मैं एक बार दिखा दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी आपको अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। In the microscopic image, the red color fat globules can be seen in the oil red stain, and if we use the Sudan black, then black color fat globules can be seen.